कैसे हो सब आप सभी। तो भाई आज मैं वीडियो लेके आया हूँ रिलेटेड टू कार्स। जी हाँ बिल्कुल, कार व्लॉग होने वाला है, कार इन्फॉर्मेशन व्लॉग होने वाला है ये वाला। तो भाई आज हम बात करेंगे थोड़ा कार की, क्योंकि बेस्ट इन बजट कहलाई जाती है। तो पहले तो बात करेंगे अपने वैगन आर की, जो कि एलेक्सा सीएनजी आपको मिल जाएगा गुड़गांव हरियाणा में 5,90,000। थोड़ा प्राइस अपने नीचे हो सकता है, तो ओनर पर जाएगा सीएनजी वाला। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, जो भी आप सीएनजी ले रहे हो वो कंपनी से ही फिटेड और जेन्युइन हो, एकदम बाजार से मत दिलवाना सीएनजी। मतलब जो गैस सिलेंडर होते हैं ना सीएनजी वाला, जो डिग्गी में वो मत लगवाना, फिर भी आपका स्पेस बहुत बच जाता है। अगर आप एम्प वूफर भी रखते हो तो वैगन आर में, तो अंदर आप उसके टच स्क्रीन लगवा सकते हो, जो कि बढ़िया 10 इंच की लग जाएगी। और फेंडर वेंडिकेटर बेस मॉडल में आपको जानते हो कुछ नहीं मिलता उसमें, जो कि थोड़ी नॉर्मल चीज़ें भाई। फिर 1 एयरबैग मिलेगा, और ज़्यादा जितनी नॉलेज नहीं है, जितने मैं वैल्यू फॉर मनी में जानता हूँ उतनी मैं आपको बता रहा हूँ। पर मेरे हिसाब से पूरी वैल्यू फॉर मनी रहती है 6 लैक्स के अंडर वो कार। एक एस्प्रेसो भी लेती है, और अगर बात करें सब एम यू वी में अर्टिगा VXi वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल रहता है, और या फिर टॉप मॉडल VXi या फिर ZXi आपके लिए पूरा वैल्यू फॉर, आप ZXi मत लेना। और अगर आपको पूरा ही चाहिए तो VXi या ZXi प्लस ले लीजिए टॉप मॉडल, वो वैल्यू फॉर मनी रहेगा MUV में। और सेडान में आई लाइक होंडा अमेज, जो कि मेरे ख्याल से बढ़िया है, और पिकअप वगैरह बहुत बढ़िया है। और अगर अपने सब कंपैक्ट की बात करें तो वो मेरे हिसाब से किए सेल्टोस रहती है, और हुंडई क्रेटा जो मर्जी चूज कर लो, सारी सेम सी है। और अगर यही बात करें अपने सब फॉर्मेटर की, तो पता नेक्सॉन। और एसयूवी में कौन सी लें हम गाड़ी। एसयूवी भाई लेनी है तो देखो जो मर्जी ले लो, आपका ओपिनियन है। प्रॉपर एसयूवी की बात करेंगे तो ये देखो फ़ोन बंद पड़ा है, कुछ नहीं दिखा रहा मैं फ़ोन से, कुछ नहीं भाई हाथ में रखता हूँ तो मैं ये। तो क्या करते हैं प्रॉपर एसयूवी में, तो महिंद्रा थार आ जाती है अपने पास, और स्कॉर्पियो। भाई मेरी तो यही चॉइस है, बाकी आप देख सकते हो अपनी चॉइसेस। तो जिस हिसाब से आपको चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये कार बेस्ट है, चाहे टॉप मॉडल हो चाहे बेस मॉडल हो, पर बेस्ट लगती है। क्रेटा लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उनमें वो आते हैं पैनोरामिक सनरूफ आती है, जो कि मेरे को भी बहुत पसंद है। और वैल्यू अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए तो वैल्यू फॉर मनी क्रेटा जाती है आपके लिए, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ आ जाती है और वो सब कंपैक्ट में आ जाती है। पर प्रॉपर एसयूवी है वो आ जाती है अपनी, वो वाली जो अपने क्या कहते हैं टाटा हैरियर, जी हाँ टाटा सफारी, और भी 2-3 हैं, तो आप इन पर जा सकते हो। और तो भाई क्या है, तो चलो आपको सब प्राइसिंग की बात करें तो टाटा नेक्सॉन जाती है अपनी 7,20,000 से कुछ, हाँ जी 12.5 लाख तक जाती है, जो कि मेरे ख्याल से बढ़िया रेंज है एक सब 100 मीटर के अंदर। और अगर बाकी का चेक करना हो आपको तो आप कर सकते हो, मेरे पास एक्चुअली लिस्ट है नीचे मेरे पास टाटा नेक्सॉन की, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सका कुछ रीजंस के कारण, तो आप उस पर जा सकते हो। जी हाँ प्राइसिंग तो आप गूगल पे चेक कर ही सकते हो, जो आपको पसंद हो। तो इसी वीडियो में फ़िलहाल तो इतना ही, जो भी आपको पसंद हो आप मेरे को बताइएगा। और अगर आप देखो, अगर मेरे एंगल से देखो तो मेरे को बेस्ट लगती है हैचबैक की बात करें तो आप मारुति लेना थोड़ा कम ही कर दीजिए, क्योंकि हैचबैक में मारुति मत लीजिए, हैचबैक में किसी और ब्रांड में चल जाइए, है टाटा में चल जाइए। MUV आप मारुति ले सकते हैं, टोयोटा ले सकते हैं। अगर आपको प्रीमियम MUV चाहिए तो आप टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ले सकते हैं, और अगर आपको बजट MUV चाहिए बढ़िया और फिर आप जा सकते हैं अर्टिगा की तरफ, जो कि बढ़िया रहती है। और यदि आपको अगर 4 मीटर लेनी है तो टाटा नेक्सॉन XUV 300 और वेन्यू आ जाती है, वेन्यू तो पता नहीं किसमें भी आती है, पर वेन्यू भी अच्छी गाड़ी है एक, और क्या सोनेट भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है भाई, तो जिसको भी कार्स पसंद है वीडियो को कर दीजिएगा लाइक,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। तो सिर्फ आज डल पाए हैं सिर्फ 2 ब्लॉग, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में और ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है अभी डाल दूँ, हो सकता है कल ही डाल दूँ। तो बाय बाय इसी वीडियो में, बाय बाय बाय।